हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम 8th क्लास का चैप्टर 12 जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स उसका एक इम्पॉर्टेंट सम लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स सम है हमारे पास सिंप्लीफाई 25 इंटू 10 की टी की पावर -4 ओवर 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 वेयर टी नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसको यहाँ ये जो दिया होगा ये इसको नहीं देखना, इट मीन्स कि टी जो है कभी भी 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि टी डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए हमने इसे इस सम पे कंसंट्रेट करना है कि वो क्या कह रहा है सॉल्व करने को। 25 को 25 ही लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई। अब जब भी नीचे पावर माइनस की हो उसको हमने चेंज करते हैं ना प्लस की बनाने के लिए, तो वो ऊपर आ जाएगी, 5 की पावर 3 ऊपर आ गई। और कौन है नीचे, माइनस की पावर टी की पावर -4 है नीचे, ये थी हमारे पास टी की पावर जो 8 वो प्लस की बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, एक 10 बचा हुआ है। अब इसको 25 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 3 है तो उसे 3 टाइम्स खोल लेंगे। अब ये दोनों पावर्स बेस सेम है इनके, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -4 प्लस का 8 नीचे क्या है 10। अब 5 के टेबल में 10 कट रहा है 2 पे, क्लियर। यहाँ पे हमें हमारे पास क्या बचा, 25 5 और 5, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 5 5 ज़ा 25 25 25 ज़ा 6 25, ये आ गया यहाँ पे नीचे 2 और साथ में टी की पावर जो है 1 -4 और +8 दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस किया क्या आया हमारे पास आंसर 4। लेकिन 4 कौन सा आना है, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो 8 है वो बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी टी जो है पॉजिटिव 4 आए। तो ये था हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स एस योर स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।